द चैनल लिव विथ अस। कैसे आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि हमने आयु को सुसु ट्रेंड एंड पोटी ट्रेंड कैसे किया। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी और हमने क्या ट्रिक्स यूज करी उसको पॉटी ट्रेन करने के लिए और सुसु ट्रेन करने के लिए। तो जो जो हम लोग जो जो किए हैं और जैसे जैसे स्ट्रगल रहा है हमारा, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी सारा इस वीडियो में। और ये टॉडलर बॉय को कैसे आप ट्रेन कर सकते हैं पॉटी ट्रेनिंग के लिए, तो वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन रहता है और मैंने भी यूट्यूब पर हर जगह सर्च किया था कि कैसे इसको ट्रेन करें। तो आयु इज नाउ फुली पॉटी ट्रेंड एंड सुसु ट्रेंड दोनों हो चुका है वो, और बहुत अच्छे से अब वो जाने लगा है, पॉटी वगैरह सुसु वगैरह यूज करने लगा है, टॉयलेट यूज करने लगा है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो मॉम्स हैं जो अपने बच्चों को ट्रेन कर रही हैं, वो इस वीडियो में बने रहे। सो गाइस, सबसे पहले हम लोगों ने आयु को ट्रेन किया था सुसु ट्रेन। तो सबसे पहले बात आती है पॉटी सीट की। इग्नोर बैकग्राउंड वॉइस, आयु चिल्ला रहा है तो वो इग्नोर कीजिएगा, सॉरी फॉर डैट। तो सबसे पहले बात आती है पॉटी सीट की। हम लोगों ने जैसे किस मैं जो भी पॉटी सीट हम लोगों ने यूज़ करी है, मैं उसकी फ़ोटो यहाँ पर शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। तो हम लोगों ने 2-in-1 पॉटी सीट यूज़ की थी, चूज़ की थी, जो कि हम लोगों को वॉलमार्ट पर मिल गई थी। उसमें ये था कि आप पॉटी सीट यूज़ करने के बाद उसे एज अ स्टूल भी यूज कर सकते हो और हैंड वॉश करना, ब्रश करना, उसके काम भी आ सकती है। तो हमने 2-in-1 पॉटी सीट चूज की थी। बट जब हमने चूज की थी, ही वॉज 3 years old और मतलब 2.5 साल का था, 3 में लगने वाला था, 2.5 साल का था। तो वो अभी भी यूज में आ रही थी, बट अब आयु नॉर्मल जो टॉयलेट होती है वो यूज करने लगा है, तो अब वो यूजफुल नहीं है। बट हाँ, वो एज अ स्टूल यूज हो रही है। तो सबसे पहले बात आती है पॉटी सीट की, जो कि सॉफ्ट रहे, बच्चे को नीचे जो बॉटम एरिया रहता है वहां पर उसको थोड़ा तकलीफ ना हो बैठने में, मतलब जो हार्ड सरफेस ना हो और ज्यादा मतलब सॉफ्ट तो मिलेगा नहीं कि उस पर कुशन वगैरह चढ़े होंगे, बट हाँ ऐसा सरफेस हो जो बच्चा उस पर बैठे, क्योंकि पॉटी ट्रेन कराने में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा उससे, तो उसको वहां पर पेन ना हो। तो इसलिए ऐसी कोई पॉटी सीट चूज करें। तो मैंने जो चूज करी थी वो, जिसकी फोटोज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर कर दूंगी, तो वो पॉटी सीट की लिंक चाहते हैं तो देख लीजिएगा, नहीं तो वैसे ही आप पिक्चर्स के थ्रू आप समझ जाएंगे। तो आप लोग वॉलमार्ट, एमेजोन कहीं से भी वो पॉटी सीट परचेज कर सकते हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर 1 कि आपको पॉटी सीट कौन सी यूज करनी है बच्चे को पॉटी ट्रेन करने के लिए। सेकेंड बात आती है कि हमने आयु को, हम लोग जब वो 2 साल का था तब से हम चाह रहे थे कि उसको पॉटी ट्रेन या सुसु ट्रेन करें। बट हम US में क्या होता है कि कारपेट वगैरह होते हैं घर में, तो बच्चे अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कारपेट पे अगर जरा सा भी दाग लग जाता है तो बहुत ज्यादा हमें यहाँ पर पे करना पड़ता है। तो इस चक्कर में हम लोगों ने हमने अपार्टमेंट चेंज किया, हमने वुडन फ्लोरिंग वाला अपार्टमेंट लिया। लकीली क्या हुआ, जब आयु सुसु ट्रेन और पॉटी ट्रेन हुआ, आयु ने एक बार भी पॉटी या सुसु ना कारपेट पे करी, ना आयु ने फ्लोर पे करी, जो वुडन फ्लोर था उस पे करी, ना कभी सोफे पे करी, ना कभी पैड पे करी। तो वो हम लोगों के लिए लकीली रहा कि हम आयु ने इतना कोऑपरेट किया कि उसने बिल्कुल भी हम लोगों को परेशान नहीं किया। तो बात आती है थर्ड पॉइंट, हमारा फर्स्ट था सुसु ट्रेनिंग करना उसको। तो सुसु ट्रेनिंग मैंने इस घर में ही आकर आयु को शुरू करी है। और कहते हैं कि बच्चा अगर आप सुसु ट्रेन कर रहे हो, पॉटी ट्रेन कर रहे हो 2 से 3 साल तक के बच्चों को, अगर इनकेस अगर वो नहीं बैठ रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं, वो ज्यादा क्राई कर रहे हैं बैठने में, यूज करने में, तो उनको फोर्स ना करें बच्चों को, वो धीरे धीरे लर्न करेंगे, देखेंगे तो वो सीखेंगे। तो ये होता है। तो हमने 3 साल तक आयु को बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया। तो अब उसके बाद आती है 3 से 4 साल तक की एज। 3 से 4 साल तक की एज में जब वो 3 years क्रॉस हुआ, हम इस घर में मूव किए हुए, तो उसको सुसु ट्रेन कराया हमने। तो पहले मैं सुसु ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगी। तो आयु को सुसु ट्रेन कराने के लिए हम लोगों ने वही पॉटी पॉट जो पॉट था वो यूज़ किया हम लोगों ने। तो वो उसको उस पर बैठने में डर लग रहा था, उसको ये था वो क्राई कर रहा था। बट मैंने उस
हम लोग ने क्या किया, मतलब सुसु ट्रेन जो मैंने कराया है, तो मैंने उसको क्या किया कि उसको बोला कि नहीं बैठ, मतलब बच्चों को आप बोलो कि नहीं कुछ नहीं होगा, और उसको ऐसी जगह पर नहीं कि आप टॉयलेट के कोने में जाकर ले गए हैं और बच्चे को सुसु ट्रेन करा रहे हैं, उससे बच्चा और स्केयर्ड हो जाएगा। तो बेटर ऑप्शन है हॉल में उसके राइम्स वगैरह लगा दें, टीवी चला दें, तो वहां बैठकर वो सुसु करेगा। तो उसने बैठा नहीं, उसने होल्ड कर ली सुसु, एंड वो उसको वो बचपन से डायपर पे ही रहा है, तो डायपर वाले बच्चों को सुसु पॉटी ट्रेन कराना इट बिट डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम लोग ने उसको डायपर उसका बोल दिया कि घूम गया घर पे, एक भी डायपर नहीं है या डायपर कोई ले गया, ऐसा बोलकर हमने उसको सुसु ट्रेनिंग के लिए बिठा ला। वो बैठ नहीं रहा था, बट जब प्रेशर आया उसको करनी थी, बट उसका ये था कि मैं अंडर पैंट में नहीं करूंगा, क्योंकि उसको ये था कि करा तो गीला हो जाएगा या कुछ कुछ मतलब वियर्ड सा होगा उसके साथ, उसे ये फील थी। तो उसने उसमें सुसु नहीं करी, मतलब अंडर पैंट्स में उसमें सुसु नहीं करा, और उसको प्रेशर आया एंड देन वो जल्दी से आकर बैठा टॉयलेट सीट पे खुद से, और खुद से कर उसने सुसु कर ली। एक बार करा, दो बार किया, तीन बार में वो मतलब वन डे ही लगा उसको सुसु ट्रेन करने, वो सुसु ट्रेन हो गया। फिर हम उसको ले जाते थे टॉयलेट सीट पे, मतलब जो टॉयलेट है, जो मतलब बाथरूम में टॉयलेट जो होती है, वो उस पे ले जाते थे, वहां स्टूल पे खड़ा करके देन उसको सुसु वगैरह करवाते थे। तो उसको एंजॉय करता था कि वो फ्लश होती थी और वो देखता था, तो उसको वो अच्छा लगता था। तो सुसु ट्रेनिंग में उसका ज्यादा टाइम नहीं लगा। अब आती है पॉटी ट्रेनिंग की, तो वो सुसु ट्रेन वन डे में ही हो गया था। और पॉटी ट्रेनिंग की बात आती है, पॉटी ट्रेनिंग के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट यूज किया हम लोगों ने। पहले मैंने पॉटी, उस आयु को जब पॉटी आती थी तो वो ऑल टाइम, जब सुसु ट्रेन हुआ तो वो अंडर पैंट पे ही रहता था 24 आवर्स, बट जब उसे पॉटी आती थी वो आता था मुझसे बोलने के लिए कि डायपर पहना दो, तो मैं उसे डायपर पहना देती थी और वो पॉटी कर लेता था उसमें। बट कभी ऐसा नहीं हो कि उसने पैंट में वो या अंडर पैंट में उसमें पॉटी करी हो उसने, तो वो आकर बोलता था डायपर पहना दो। तो ये अच्छा रहा कि वो ऐसे नहीं करता था, तो वो 24 आवर्स अंडरवियर में ही वो रहता था, और रात में सोता भी था अंडरवियर में, तो क्योंकि वो पॉटी नहीं करता था उसमें, और सुसु भी उसमें नहीं करता था। सुसु आती थी, बोलता था वो टॉयलेट सीट पे जाकर, हमने बाहरी हॉल में अभी भी रखी है, अगर उसे आती है और अगर हम रात में सो रहे होते हैं तो वो उठकर हम लोग को उठा देता है और वहां पर हम उसे करा देते हैं, और दिन भर में वो वाली यूज करता है, नॉर्मल जो टॉयलेट होती है वो यूज करता है। देन उसके बाद पॉटी ट्रेनिंग के लिए हमने उसको अंडर पैंट पहनाया, एंड देन उसके बाद मैंने बहुत सारे गूगल किया, सर्च किया कि कैसे कराऊं मैं उसे पॉटी ट्रेनिंग। तो मैंने इवन डायपर में एक होल भी कर दिया कि हाँ डायपर पहना रहे बट सिट ऑन द पॉटी सीट, क्योंकि उसको उस पर बैठना था छिछी करते टाइम। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है, बच्चों को पता नहीं क्या डर रहता है, बच्चों को बहुत कुछ मैंने पढ़ा भी था कि उन्हें ये डर रहता है कि हम भी उसमें फ्लश हो जाएंगे, कुछ भी उनके माइंड में जो भी रहता है, बच्चों को डर रहता है। तो वो जिस टॉयलेट सीट पर सुसु करता था उसे उसी पर पॉटी करने के लिए बिठाते थे, बट वो नहीं करता था, होल तक कर दिया तो भी वो नहीं करता था। तो उसके बाद हम लोगों ने उसको पूरा उसका डायपर फ्री कर दिया कि डायपर नहीं है या डायपर है ही नहीं घर में, हमने लाना ही बंद कर दिया डायपर वगैरह, और लाकर रखा था पैकेट सेफर साइड। तो वो क्या करता था कि पहले मंथ में तो हम लोगों ने ट्राई किया कि नहीं डायपर नहीं पहनाएंगे, तो एक दो दिन हमने डायपर नहीं पहनाया, तो उसने पॉटी होल्ड कर ली। होल्ड करने के कारण उसने पूरी रात, पूरा दिन 12 घंटे उसने पॉटी नहीं करा। रात में फिर हम लोग ने सोचा कि होल्ड करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, देन हमने उसे डायपर पहनाकर फिर पॉटी कराई। तो ऐसा दो तीन दिन तक चलता रहा। फिर हम लोगों ने ऐसा, मतलब ये मेरी दिमाग की उपज थी कि कुछ ऐसी चीज खिलाएं कि जिससे उसको ऐसा प्रेशर आए कि वो होल्ड ना कर पाए। तो एप्पल जूस, जो ऑर्गेनिक एप्पल जूस मिलता है वॉलमार्ट कॉस्को वगैरह पे, जो वो डेली पीता था, बट उसको पीने के बाद उससे हमेशा पॉटी लगती थी, वो होल्ड नहीं कर पाता था। तो एप्पल जूस हमारा फर्स्ट, एक होता ना रामबाण टाइप का, वो हम लोगों के लिए साबित हुआ। हमने एप्पल जूस लिया, जो भी इसकी पिक्चर अगर मिली तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, एप्पल जूस लिया जो वो पीता था, और
बीट रूट के मैंने बीट रूट का पराठा या बीट रूट का कुछ भी पैटी वगैरह कुछ भी मिलाकर उसको खिलाया, तो उससे क्या होता है कि पॉटी बहुत तेज लगती है और बच्चा होल्ड नहीं कर पाता, जो वो 12 घंटे होल्ड कर रहा था वो नहीं कर पाया वो। तो जैसे ही उसने एप्पल जूस पिया, खूब सारा पानी पिला रहे थे और मिल्क तो वो पीता ही है, तो मिल्क वगैरह पिया मॉर्निंग में उठकर, फिर हमने उससे कहा आयो एप्पल जूस पियोगे, तो उसने कहा यस। उसे एप्पल जूस का जो आता है ऑर्गेनिक रहता है वो दिया उसे, और एप्पल जूस के बाद वो इधर उधर भाग रहा था कि मेरे को डायपर चाहिए डायपर चाहिए, एक कमरे से दूसरे कमरे भाग रहा भाग रहा भाग रहा। उसका ये था या तो मैं डायपर में पॉटी करूंगा बट मैं अंडर पैंट में पॉटी नहीं करूंगा, उसका ये था, क्योंकि उससे वो वियर्ड सी फीलिंग आती अगर उसमें करता वो, तो उसके माइंड में था क्योंकि डायपर तो सोक कर लेता था, बचपन से पैदा होते से वो डायपर पहन रहा है, तो उसके माइंड में यह था कि मैं डायपर पहनकर कर लूंगा बट मैं अंडर पैंट में भी नहीं करूंगा और मैं पॉटी सीट पर भी नहीं करूंगा। देन उसको हमने बिठाला, उसको बहुत तेज पॉटी आई और फिर मैंने उसको पकड़ा, वो इस कमरे से दूसरे कमरे रो रो कर भग रहा था, फिर मैंने उसको पकड़ा और उससे बोला कि आयु इसमें बैठ जाओ हो जाएगी। जब उसे बहुत ज्यादा प्रेशर आया और वो बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पाया, जल्दी से आकर वो पॉटी सीट पर बैठ गया और उसकी पॉटी हो गई। तो मतलब वो चीज एक प्लस पॉइंट साबित हुई हम लोगों की। तो एप्पल जूस वाली ट्रिक हम लोगों ने दो तीन दिन तक चलाते रहे ताकि वो उसका पॉटी हो जाए और उसका जो डर है वो पूरा मिट जाए। तो वो धीरे धीरे करके उसका डर भी मिट गया और अब तो वो नॉर्मली पॉटी सीट पे जाने लगा है, और अब जो नॉर्मल टॉयलेट होती है जो कबोर्ड सीट होती है उस पर बैठ जाता है, क्योंकि पॉटी सीट में जैसे मैंने मेंशन किया कि 3 पार्ट्स हैं आयु की पॉटी सीट में, तो एक ऊपर का हिस्सा अलग हो जाता है मतलब 3 in 1 है, एज अ पॉटी सीट भी यूज होता है, ऊपर का हिस्सा अलग हो जाए तो जो नॉर्मल कबोर्ड सीट होती है उसके ऊपर रख दो उसे, और वो बच्चे के लिए बच्चों के साइज का हो जाता है और बच्चे उसमें बैठकर पॉटी कर लेते हैं। तो आयु अब उसमें भी बैठने में डर लगता था क्योंकि वो फ्लश होता था और उसे डर लगता था, तो उसको भी हम लोगों ने बोला कि कुछ नहीं होगा और वो बैठ गया, उसको प्रेशर आया तो वो बैठ गया, हमने वो वाली पॉटी सीट को नीचे रख दिया एज ए स्टूल और वो कह रहा था कि मुझे इसी पे करना है, और मैंने उसको उठाया और बैठा दिया, वो उठने की कोशिश कर रहा था बट मैंने उसे उठने नहीं दिया, बैठे रह दिया, एंड देन उसने उसमें पॉटी कर ली। तो ही इज नाउ बोथ पॉटी वेल ट्रेंड हो गया, पॉटी ट्रेंड सुसु ट्रेंड, जो नॉर्मल पॉटी सीट होती है के लिए। और ट्रेवल के लिए भी हम लोगों ने एक पॉटी सीट ऑर्डर करी थी जो कि हमारी कार में रखी रहती है, तो हम कहीं ऐसे तो ट्रेवल करते नहीं है बट कार से कहीं जा रहे हैं उसे पॉटी लग गया है, तो कोविड का टाइम चल रहा है तो वो नहीं हो पाता, तो जो पॉटी सीट है उसकी भी फोटो यहां पर मेंशन कर दूंगी। उसके साथ एक डिस्पोजेबल पॉलिथिन बैग्स आते हैं जिसके बिछा दो और बच्चा उसमें बैठकर पॉटी कर लेता है, और उसको फिर आप बंद करके थ्रो कर सकते हो डस्टबिन गार्बेज में डाल सकते हो, तो वो दूसरा पॉटी सीट है। तो ये 2 पॉटी सीट हम लोगों ने रखी हुई है, और इनके सुसु आती है कोविड के टाइम पे, तो हमने डिस्पोजेबल ग्लासेस रखे हुए हैं, हम उसको उसमें सुसु करा देते हैं और वो ग्लास को फिर हम लोग गार्बेज वगैरह जो भी रहता है वहां पर हम थ्रो कर देते हैं। तो ये कोविड के टाइम पे हम क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं उसको कैसे, क्योंकि हम उसे ही इज नॉट वैक्सीनेटेड येट, तो हम लोग चाहते हैं कि वो बाहर का कोई भी पॉटी सीट टॉयलेट वगैरह मॉल्स वगैरह में एंटर करके या किसी शॉप में एंटर करके वो सुसु वगैरह पॉटी वगैरह ना करे। तो यही था, और इसी तरीके से हम आयु को ट्रेंड करते हैं। तो ये सारी चीजें पॉइंट वाइज लिखी थी, बोल भी रही थी पॉइंट वाइज पॉइंट बट एज अ स्टोरी हो गया वो कि हमने कैसे ट्रेन किया। एप्पल जूस और बीट रूट का अगर बच्चे जूस पीते हैं, ऑरेंज जूस भी पीते हैं या कोई भी जूस भी पीते हैं, उसमें बीट रूट का जूस थोड़ा सा मिलाकर बच्चे को दे सकते हैं आप, और थोड़ा सा कुनकुना मिल्क वगैरह दें ताकि बच्चा अच्छे से पॉटी कर ले और पेट उसका अच्छे से साफ हो जाए। तो अब तो कोई टेंशन नहीं रहती है, पॉटी आती तो बता देता है, सुसु आती तो दोनों बता देता है वो। तो ये दोनों चीज हम लोगों ने ट्राई करी थी सुसु और पॉटी के लिए कि बच्चे को थोड़ा लूज स्टूल हो, थोड़े बहुत लूज स्टूल हो ताकि वो अच्छे से रोक ना पाए। होल्ड कर लेते हैं तो बच्चे कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, उसके बाद बच्चों को जब पॉटी होती है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए बच्चों के साथ थोड़ा ये चीज ध्यान में रखें आप। तो ये दोनों चीज है, आपको ज्यादा पता होगा बीइंग अ मदर कि आपको बच्चे को कौन सी चीज खाता है उसके बाद ज्यादा कर उसे थोड़ा थोड़ा लूज, क्योंकि आईक्यू को जब बॉर्न हुआ था 6 मंथ्स का था, जब मैं एप्पल प्यूरीज वगैरह बनाकर देती थी उसके बाद भी वो लूज स्टूल करता था। तो ये सब चीजें हैं, तो आप माइंड में रखिएगा, और शायद ये ब्लॉग जो
मदर्स हैं अपने बच्चों को पॉटी ट्रेन कर रही हूँ उसके लिए, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे इसलिए मैंने ये बनाया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और न्यू व्यूअर्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।